आज मैं लेकर आया हूं बॉटनी पीजी एंट्रेंस एग्जाम का एक और क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में देखेंगे इस पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे और उन क्वेश्चन के आंसर भी जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन, द टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल इन विच स्ट्रैंड ऑफ फ्लोएम इज प्रेजेंट एक्सटर्नल टू जाइलम ऑन द सेम रेडियस साइड बाय साइड इज नोन एज। इसका आंसर है बी पार्ट, कोलेटरल वैस्कुलर बंडल। ये क्वेश्चन आया था प्लांट एनाटॉमी से। क्वेश्चन नंबर टू, चिरपाइन इज द कॉमन नेम ऑफ। इसका आंसर है पाइनस रॉक्सबुर्जी। ये क्वेश्चन आया था जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म से एक और क्वेश्चन आया था, गर्डलिंग लीव ट्रेसेस आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ। इसका आंसर है डी, साइकस। क्वेश्चन नंबर फोर, ये आया है प्लांट मॉर्फोलॉजी से, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द पेडंकल इज कॉल्ड। इसका आंसर है एंथोटेक्सी। एंथोटेक्सी इनफ्लोरेसेंस का दूसरा नाम। क्वेश्चन नंबर फाइव, ये भी प्लांट मॉर्फोलॉजी से आया है, द फ्लावर इन द फैमिली लिलिएसी आर। इसका आंसर है बी पार्ट, ट्राइमेरिस हाइपोगाइनस। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये आया है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से, इफ ए पोलन ऑफ ए फ्लावर फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू द सेम प्लांट इट इज। इसका आंसर है सी पार्ट, इट इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन एंड इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन। क्वेश्चन नंबर सेवन, पॉलिनेशन बाय स्नेल्स इज नोन एज। इसका आंसर है सी पार्ट, मेलेकोफिली। द इनवर्टेड ओव्यूल इन विच फ्यूनिकल एंड माइक्रोपाइल लाई साइड बाय साइड इज कॉल्ड। इसका आंसर है डी पार्ट, एनाट्रोपस ओव्यूल। ये क्वेश्चन भी आया है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से। क्वेश्चन नंबर नाइन, द क्वांटिटी ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड बाय अ यूनिट ऑफ लीफ एरिया ऑफ लीफ सरफेस इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड। इसका आंसर है सी पार्ट, ट्रांसपायरेशन फ्लक्स। हु फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंटेड द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑस्मोसिस। इसका आंसर है बी पार्ट, आर ड्यूट्रोचिट। ये क्वेश्चन भी आया है प्लांट फिजियोलॉजी से। क्वेश्चन नंबर 11 बी फिजियोलॉजी से, व्हाट विल बी द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन द प्लांट विल्ट्स। इसका आंसर है ए पार्ट, एक्सोस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, टेम्परेरी एंड परमानेंट विल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आया है, ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ गॉड सेल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑकर इन द सेल सैप ऑफ गॉड सेल्स। इसका आंसर है सी पार्ट, इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर एज वेल एज टर्गर प्रेशर, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ ब्लैक नेक्रोसिस ऑफ यंग लीव्स एंड टर्मिनल बड्स, यूजुअली स्टिफ एंड ब्रिटल स्टेम्स, समटाइम्स द लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस आर एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ। ये मिनरल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आया है। इसका आंसर है सी पार्ट, बोरान। तो बोरान की वजह से ये सारे सिम्टम्स प्लांट्स में आ जाते हैं, जिसमें आता है लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस, ब्लैक नेक्रोसिस ऑफ यंग लीव्स एंड टर्मिनल बड्स, और स्टेम जो होते हैं ये स्टिफ और ब्रिटल बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, During 24 hours, there is a time when plants neither give carbon dioxide nor oxygen. This is the time of. Iska answer is C, twilight. Question number 15, who has proved that oxygen evolved in photosynthesis comes from water? Iska answer hai Rubin, Hassett and Kamin. Ye teen scientists the jinhone ye prove kiya ki oxygen jo hai ye water se aata hai, carbon dioxide se nahi aata. Question number 16, plant physiology ka question hai, in C4 and CAM plants, the carbon dioxide fixed by PEP, carboxylase, into C4 acids is released back and fed to Kelvin cycle by the enzyme. Iska answer hai B part, NADP malic enzyme. Question number 17, ye bhi plant physiology se hai, Krebs cycle se hi question hai. Which of the following conversions during citric acid cycle are accompanied by release of carbon dioxide? Iska answer hai C part, alpha ketoglutarate to succinyl coenzyme A. Question number 18, enzymology se hai. Enzymes are biological catalysts that enhance the rate of reaction by. So enzymes kya karte hain? Iska answer is C part, lowering activation energy of the reaction. Question number 19, which of the following is true for gibberellins? Ye question aaya hai plant hormones se ya plant growth regulators se, aur yahan par jo options hai iska answer hai all of the above. Question number 20, biomolecules se question hai, neutral lipids stored in the form of lipid droplets have a protective protein coat that prevents untimely lipid mobilization. The proteins of the coat are known as. इसका आंसर है बी पार्ट, pyrilipins. तो ऐसे proteins जो कि neutral lipids के droplets के around एक protective coat बनाते हैं, तो ऐसे proteins को कहते हैं pyrilipins. Which of the following is not true about phytochromes in plants? और इसका आंसर है, PR is the physiologically active form of phytochrome. ये बिल्कुल गलत है. जो PR form of phytochrome होता है, ये inactive form of phytochrome होता है. तो P is the wrong option. क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन आया है प्लांट मोमेंट से, और क्वेश्चन है द मोमेंट इन द लीफ ऑफ टच मी नॉट मिमोसा प्लांट इज नोन एज। ऐसी मोमेंट को कहते हैं सिज्मोनेस्टी। सो बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 23, ये इकोलॉजी से क्वेश्चन आया है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी पार्ट 20.95% एंड 0.04%, यानी ऑक्सीजन 20.95% होता है एटमॉस्फेयर में और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है या परसेंटेज जो है दैट इज 0.04%। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी इकोलॉजी से क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज प्रेफर्ड फॉर क्रॉप्स, इसका आंसर है डी पार्ट लोम सॉइल। क्वेश्चन नंबर 25 इकोलॉजी का एक और क्वेश्चन, प्लांट्स विच ग्रो अंडर शेड और कॉल्ड, ऐसे प्लांट जो शेड में ग्रो करना पसंद करते हैं ऐसे प्लांट्स को कहते हैं सियोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी इकोलॉजी से क्वेश्चन आया है, इन पॉन्ड इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास इज, इसका आंसर है बी पार्ट इनवर्टेड। क्वेश्चन नंबर 27 इकोलॉजी से एक और क्वेश्चन, इकोलॉजी का एक टॉपिक है सक्सेशन, उससे ये क्वेश्चन आया है, द बेसिक प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन सक्सेशन इज, इसका आंसर है ए पार्ट न्यूडेशन इज फॉलोड बाय इन्वेजन व्हिच इज फॉलोड बाय कंपटीशन देन कोएक्शन देन रिएक्शन एंड फाइनली वी हैव स्टेबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हेल्प्स टू ऑक्सीडाइज नाइट्राइट्स इनटू नाइट्रेट इन ए नाइट्रोजन साइकिल, इकोलॉजी का एक और क्वेश्चन और इसका आंसर है डी पार्ट नाइट्रोबैक्टर। सो नाइट्रोबैक्टर जो होता है ये नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में चेंज करता है। क्वेश्चन आया है इकोनॉमिक बॉटनी से, क्वेश्चन नंबर 29, फाइबर्स ऑफ ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस डिराइव फ्रॉम एपिडर्मिस इज, इसका आंसर है कॉटन, कॉटन सीड के एपिडर्मिस से बनता है, इसके छोटे छोटे से फाइबर्स बनते हैं फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ द सीड्स। क्वेश्चन नंबर 30, पावर बॉइलिंग ऑफ राइस ग्रेन्स बिफोर मिलिंग कंजर्व, तो इसका आंसर है ए विटामिन बी सिक्स। क्वेश्चन नंबर 31, द कैप्सिड ऑफ टीएमवी इज मेड अप ऑफ, इसका आंसर है बी पार्ट 2130 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोट प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 32, क्रिप्टोग्राम ऑफ टीएमवी इज, क्रिप्टोग्राम एक फॉर्मूला होता है विच डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर एंड द नेचर ऑफ ए वायरस पार्टिकल, तो टीएमवी का क्रिप्टोग्राम क्या है, इसका आंसर है बी पार्ट R125EESA। क्वेश्चन नंबर 33, फंजे से क्वेश्चन आया है, मॉर्चुला बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन ऑफ फंजे, इसका आंसर है एस्कोमाइकोटा, सो मॉर्चुला बिलोंग्स टू एस्कोमाइकोटा डिवीजन ऑफ फंजे। क्वेश्चन नंबर 34, एल्गी से क्वेश्चन आया है, ब्लैकी स्टेज और क्रूशिएट स्टेज इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी, इसका आंसर है सी पार्ट वॉलवॉक्स। क्वेश्चन नंबर 35, ब्रायोफाइट से आया है, द फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट्स आर, इसका आंसर है बी ब्रायोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 36, विच प्लेस इन इंडिया इज कॉल्ड गोल्ड माइन ऑफ लिवरवर्ट्स, ब्रायोफाइट्स का ये एक और क्वेश्चन, इसका आंसर है वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय को कहते हैं गोल्ड माइन ऑफ लिवरवर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 37, द प्रोटोस्टील हैविंग सेंट्रल कोर विथ रेडिएटिंग रिब्स और स्टार शेप्ड जाइलम कोर सराउंडेड बाय फ्लोएम इज, ये टेरिडोफाइट से क्वेश्चन आया है और इसका आंसर है डी पार्ट एक्टिनोस्टील। क्वेश्चन नंबर 38, टेरिडोफाइट से क्वेश्चन आया है, इन टेरिडोफाइट्स रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स व्हेन, आंसर है सी पार्ट स्पोर्स आर फॉर्मड, स्पोर्स आर फॉर्मड बाय मियोसिस और मियोसिस को कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 39, ये आया है सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन, द फ्लूइड लाइक सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस इन विच क्रोमेटिन मटीरियल न्यूक्लियोलस एंड अदर पार्टिकुलेट एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियस आर सस्पेंडेड इज नोन एज, इसका आंसर है बी पार्ट कैरियोलिम्फ। इन बल्बियानी रिंग्स इन द पॉलिटीन क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंट द साइट्स ऑफ, इसका आंसर है सी पार्ट आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 41, जेनेटिक से क्वेश्चन आया है, द जेनेटिक म्यूटेशन कॉज्ड बाय इंडेल्स ऑफ ए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन ए डीएनए सीक्वेंस दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 इज कॉल्ड, इसका आंसर है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 42, मियोसिस हैज इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस बिकॉज इट रिजल्ट्स इन, इसका आंसर है रिकॉम्बिनेशन, यानी नए नए जीन के कॉम्बिनेशंस बनते हैं मियोसिस के दौरान जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशन आती है और वेरिएशन हेल्प करती है एडेप्टेशन में और एवोल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 43, माइटोप्लास्ट्स आर, इसका आंसर है सी पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ऑफस्प्रिंग्स इन द क्रॉस कैपिटल स्मॉल ए विद स्मॉल ए स्मॉल ए हैविंग ए फिनोटाइप, इसका आंसर है ए पार्ट 0.50। क्वेश्चन नंबर 45, ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ द सेल साइकिल न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, इसका आंसर है बी पार्ट एम फेज। क्वेश्चन नंबर 46, येलो सीड कलर इज वाई इज डोमिनेंट और ग्रीन कलर स्मॉल वाई एंड राउंड सीड शेप कैपिटल एस इज डोमिनेंट और श्रंकन स्मॉल एस
across between capital Y, capital S with small y, small s, small s yields yellow round capital Y, small s in the F1 progeny. When F1 plants are sulfured, F2 segregates into. Iska answer hai B part. 9 yellow, 3 yellow shrunken, 3 green round and 1 green shrunken. यानी ये क्वेश्चन जो आया था इंडिपेंडेंट एजॉटमेंट से ऑफ जेनेटिक्स. क्वेश्चन नंबर 47 जेनेटिक्स से ये क्वेश्चन भी एपिस्टेसिस इंप्लाइज. इसका आंसर है बी पार्ट. वन पेयर ऑफ जीन्स कैन इंडिपेंडेंटली मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर पेयर ऑफ जीन. क्वेश्चन नंबर 48 द सीक्वेंस ऑफ सिक्स न्यूक्लियोटाइड्स दैट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए प्रमोटर साइट ऑन डीएनए फॉर ट्रांसक्रिप्शन टू ऑकर इन बैक्टीरिया इज नोन एज. ऐसी साइट को कहते हैं प्रिबनो बॉक्स. क्वेश्चन नंबर 49 न्यूक्लिक एसिड hybrids can be formed between. Iska answer hai D part, all the above. Question number 50, the DNA sequence to which RNA polymerase binds to initiate transcription of a gene is called. Iska answer hai B, promoter. Bentham and Hooker classify dicots into. Iska answer hai B part, polypteli, gamopteli and monocalamity. Question number 52, in which of the families the gynoecium is bicarpillary and syncarps but ovary is unilocular with basal placentation. Iska answer hai C part, asteraceae. Question number 3, ये भी टेक्सानमी का क्वेश्चन है. A nomenclature type in which one specimen or illustration upon which a name is based originally, used or designated at the time of publication is called. इसका आंसर है holotype A. Question number 54, this is the floral formula. आपको बोलना है ये floral formula किस family का है. इसका आंसर है B, Labiate, जिसे family Lamiaceae भी कहते हैं. ये इसका correct answer है. Question number 55 plant anatomy se question hai, the cells of the quiescent center are characterized by. Iska answer hai A, having light cytoplasm and small nuclei. Question number 56, organization of stem apex into corpus and tunica is determined mainly by. Iska answer hai planes of division A part. Question number 57 hai, out of diffuse porous wood and ring porous wood which is correct. Iska answer hai D part, diffuse porous wood is less specialized but conducts water rapidly. Question number 58, periderm is produced by. Iska answer hai D part, phallogen. Question number 59, as the tree grow, which of the following increases more rapidly in thickness? Answer hai iska D part, heartwood. Last question is, what happens in plants during vascularization? Vascularization is the formation of xylem and phloem. Iska answer hai A, differentiation of procambium followed by formation of primary phloem. इसका आंसर है ए, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोकैम्बियम फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम साइमल्टेनियसली. थैंक्स फॉर वॉचिंग.